बुलंदशहर सिकंदराबाद कोतवाली बना अवैध फ्री की पार्किंग। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग चाहे खरीदारी करने आए या निकटवर्ती रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने, उनकी गाड़ी कोतवाली परिसर में ही खड़ी होगी। और हो भी क्यों ना, फ्री की सुरक्षित पार्किंग में नहीं है कोई रोक टोक, ना कोई प्रहरी, ना कोई सुरक्षा कर्मी है रोकने वाला। अनेक बार फंस जाती है लोगों की गाड़ियां जब कोई भी अनजान शख्स उनके पीछे खड़ी कर जाता है अपनी गाड़ी। दो पहिया वाहन भी खड़े कर जाते हैं लोग। यदि किसी अधिकारी के आगमन की सूचना हो तो ही यहाँ के पुलिस कर्मियों को सुनाती है अवैध ढंग से खड़े वाहनों को हटवाने की। याम न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हुए हैं बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ के थाने को अवैध रूप से एक मुफ्त फ्री की पार्किंग बना रखा है। हम आपको बता दें कि यहाँ के पड़ोस में ही एक रजिस्ट्री ऑफिस, जिसे कहते हैं निबंधक कार्यालय, होने के कारण कुछ लोग यहाँ पर बैनामा करवाने आते हैं आसपास के क्षेत्रों से और यहाँ थाने में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं क्या यहाँ बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और कई बार यहाँ तक आलम हो जाता है कि किसी गाड़ी फंस जाती है, उसके पीछे और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, वो कई घंटे इंतजार करता रहता है कि यहाँ पर किसी की गाड़ी हटे और कब वो अपनी गाड़ी निकाल पाए। क्या ये थाने का यहाँ पर आप जो हाल देख रहे हैं यही रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन आएगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। या ये यहाँ पर फ्री की पार्किंग सदैव ही बनी रहेगी। कैमरा पर्सन मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद।